किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। अब जैसे कभी आप उस स्थान पर जाते हैं जहां ठंड ज्यादा है और आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं, तो हम मन को तैयार करते हैं कि आज अब मुझे 3-4 दिन के बाद ऐसे इलाके में जाना है जहां ठंड ज्यादा है, तो मन से आप तैयार करते हैं तो धीरे धीरे वह लगता है, पहुंचने के बाद कभी लगता है यार मैंने तो सोचा था उससे तो ठंड कम है, क्योंकि आपने मन से तय कर लिया है। और इसलिए आप टेम्परेचर कितना है कितना नहीं वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका मन तैयार हो जाता है। वैसे ही दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना होता है, दूसरा ये जरा दबाव के प्रकार देखें। एक तो दबाव होता है खुद ने ही जो अपने लिए तय करके रखा है कि सुबह 4 बजे उठना ही उठना है, रात को 11 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, आपने तो इतने आंसर सॉल्व करके ही जीतना है, और बड़ा दबाव खुद ही अनुभव करते हैं। मैं समझता हूं हमने उतना स्ट्रेच नहीं करना चाहिए कि जिसके कारण हमारी एबिलिटी ही टूट जाए, हमने स्लोली इंक्रीमेंट करना चाहिए। चलिए भाई कल मैंने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे रात को, आज 8 करूंगा, फिर मुझे वरना मैं 15 तय करूं और 7 ही कर पाऊं तो सुबह उठता है यार देखो कल तो कर नहीं पाए आज करूंगा, तो एक खुद भी दबाव के प्रेशर पैदा करते हैं। हमने इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं।